सभी को नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। बिल्कुल जीरो बेसिक से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से जीरो बेसिक से आपको समझाया जाएगा। तो जैसे ही हमने ये स्ट्रक्चर लिया है सारणी का, तो बिल्कुल आपको बेसिक से, जिन बच्चों को ये त्रिकोणमिति सारणी नहीं बनानी आती है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को स्किप मत करना। 100% गारंटी है। इस वीडियो को देखकर आप सिर्फ दो बार प्रैक्टिस करना, इस वीडियो को देखकर सिर्फ आप दो बार प्रैक्टिस करना, आपको त्रिकोणमिति 100% बनानी आएगी। 100% की गारंटी है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको त्रिकोणमिति बनानी नहीं आए, दो तीन बार से अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया जाएगा, अगर नए करनी आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनाने आनी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है। तो चलो हम, जैसे हमने ये थीटा लिया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा है। ये हमारे 0 डिग्री का एंगल है। इसमें 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें रखेंगे भाई, जैसे मान ले आपको ये दिखाई देता होगा अच्छी तरह से, तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, जैसे पहले हम 0 की वैल्यू, तो यहाँ हम रखते हैं 0, तो यहाँ रखते हैं हम 0 से स्टार्ट करेंगे हम 0। अगले बॉक्स में, 30 के बॉक्स में हम क्या रखेंगे, 1, उससे अगले 45 के बॉक्स में 2 3 4। तो मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्स दिए गए, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स दिए गए, तो हम ऐसे रखना पहले बॉक्स के अंदर, तो 0 1 2 3 4 दिए गए। अब सबके नीचे हम क्या डालेंगे, इसमें 4 4 रखेंगे हम, इस सभी के नीचे हम 4 रख लेते हैं, 4 से 4 काटेंगे, इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके अंदर हम रूट लगा लेते हैं, इसमें हम संख्याओं में रूट लगा लेते हैं, आपको आसानी होगी अच्छी तरह से समझने में आपको आसानी होगी। तो अगर इसके रूट लगाते हैं तो 1 का रूट निकालेंगे, इसमें 1 आएगा, इसमें कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, √2/2 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 1/2 इसमें 2 आएगा। अगले संख्या में अगर, जैसे मान ले हमारे पास 0/√4 दिया गया है, तो इसमें कितना आएगा, जैसे मान ले हम इसका निकाल लेंगे, 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन इसमें 0 आएगी। तो इसमें हम ये टेबल भर देते हैं। तो इसमें पहले के अंदर इसमें क्या रखेंगे हम, 0, अगले में हम रखेंगे 1/2 रखेंगे, अगले बॉक्स में हम रखेंगे 2/√2 रखेंगे, अगले में रखेंगे हम 3/√3/2, अगले बॉक्स में हम रखेंगे 1। तो इस प्रकार ये सारणी साइन की बन चुकी है। अब अगले कोसेक में लेंगे हम, तो कोसेक में हमें क्या करना है, अब इस संख्या का हम उल्टा रख देंगे, इस संख्या का हम क्या करेंगे, उल्टा रख देंगे। अब जो, जैसे मान ले हमारे पास साइन की आई है, इसका हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, जैसे इस एक को हम यहाँ रख देंगे, इस एक को हम यहाँ रख देंगे, इसके बाद अगले संख्या को, जैसे हमारे पास √3/2 इस बॉक्स में आ जाएगा, वहाँ से उल्टे से हमें यहाँ चलना है। पहले हम यहाँ से चले थे, उसके बाद इस तरफ से हम इस बॉक्स में भरते रहेंगे। आगे हमारे पास कितना आएगा, √2/2 आएगा, उसके बाद हमारे पास 1/√2, उसमें हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, उसमें हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब हमें अगले टेबल के ऊपर चलते हैं हम, टेन थीटा के निकालेंगे हम इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, टेन थीटा किस में जाता है, साइन बटे कोस के अंदर जाता है, किस में जाता है, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस। तो मतलब हम 0 को किससे भाग देंगे, 0 को हम 1 से भाग देंगे, 0 को हम 1 से भाग देंगे, इस संख्या को इसको भाग देंगे, इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे, इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे और इस संख्या को हम इस संख्या से भाग देंगे। तो देखो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से भाग देते तो इसमें क्या आती है, 0 आएगी, क्या आएगी इसमें, 0। अब इस संख्या को अगर हम रखते हैं तो जैसे 1/2 बटे संख्या आएगी तो रकम चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर जाएगा नीचे, इसमें कितना आएगा, 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें कितना आएगा, 1/√3, कितना आएगा, 1/√3। अब अगले संख्या को लेते हैं, √2/2 × 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस रूट से ये संख्या कट जाएगी, तो इसमें कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। अब अगली संख्या को देते हैं हम, √3/2
गुना में दो ऊपर जाएगा नीचे एक, तो इसमें दो से दो कट जाएगा, इसमें कितना बचा हमारे पास, रूट तीन बटा एक, कितना बचा, रूट तीन बटा एक बचा। अब क्या करेंगे हम, जीरो, एक को हम जीरो से भाग करेंगे, तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन लिखते हैं हम इसके अंदर, नॉट डिफाइन रखते हैं। तो इतना तो दोस्तों आपको समझ में आएगा, समझ में आ चुका होगा। अब हम कोसेक की तरफ चलेंगे, कोसेक थीटा का निकालेंगे। कोसेक थीटा भाई, साइन थीटा किसके अंदर हो, चेंज होता है, कोसेक थीटा के अंदर चेंज होता है, कोसेक थीटा के अंदर चेंज होता है कोसेक। अब जैसे हमारे पास यहाँ इसी का निकालेंगे हम भाई, अगर हम किसी भी नंबर को, अगर मान ले जैसे हमारे पास ये है, क्या है ये है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से भाग देते हैं, किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग दे, तो इसका एक बटा हम जीरो रख लेते हैं, एक बटा हम जीरो, तो इसका क्या आएगा, नॉट डिफाइन, नॉट, अगर जहाँ भी जीरो से आती है तो वहाँ हम नॉट डिफाइन रखेंगे। अब इसका करेंगे हम, तो इसमें कितना आ जाएगा, तो उसमें जैसे एक एक बटा दो हो जाएगा, तो इसमें बटे में बटे संख्या दी गई है, तो एक बटा एक गुना में ऊपर दो आ जाएगा, तो इसमें एक से एक कट जाएगा, इसमें क्या रखेंगे हम, इसमें दो रखेंगे। अब हम अगली संख्या की तरफ चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, इस नंबर को करेंगे हम, तो इसमें कितना जाएगा, दो ऊपर चल जाएगा, इसमें कितना आएगा, दो ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आएगा, रूट दो, इसमें कितना आएगा, रूट दो। अब अगली संख्या का इसका उल्टा कर देंगे, ऊपर बटे में हम एक करेंगे, तो इसमें जाएगा दो रूट तीन, दो रूट तीन, एक को एक से भाग देंगे, तो इसमें कितना आएगा, एक आ जाएगा। ये आपको इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास आता है सेक, सेक थीटा निकालेंगे, तो सेक थीटा को किस में चेंज करेंगे हम, कोस थीटा के अंदर, इसमें हम चेक चेंज करेंगे हम। अब एक को एक से भाग करेंगे हम, इसमें क्या आएगा, एक आएगा, एक को एक से भाग करेंगे, इसमें क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल बनाना है, हमें इसमें क्या बनाना है, रेसिप्रोकल, समझ गए होगे, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। तो इसमें कितना आएगा, दो रूट तीन, दो बटे रूट तीन हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम, इसमें कितना आएगा, दो ऊपर चल जाएगा, और इसमें कितना आएगा, इसमें दो ऊपर जाएगा, तो इसमें कितना आएगा, रूट दो हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम, तो इसमें कितना आ जाएगा, दो बटा एक, इसमें हम अकेला दो भी रख सकते हैं, इसमें हम अकेला दो भी रख सकते हैं। उसके बाद इसका चेंज करेंगे हम, जहाँ जीरो होती है वहाँ नॉट डिफाइन रखेंगे हम भाई, जहाँ जीरो होती है वहाँ हम क्या रखेंगे, नॉट डिफाइन रखेंगे हम, तो इसमें आ जाएगा नॉट डिफाइन। उसके बाद लास्ट है, लास्ट किस में जाएगा, टेन किस में जाता है, कोट के अंदर जाता है, टेन किस में जाता है, कोट के अंदर जाता है। अब इसका भी हमें रेसिप्रोकल बनाएंगे हम, इसमें क्या बनाएंगे, रेसिप्रोकल, तो इसमें भी क्या आएगा, नॉट डिफाइन, किस में आएगा भाई, एक ऊपर अगर जैसे मान ले हम इसके ऊपर एक रखते हैं, तो एक को हम जीरो से क्या भाग नहीं सकते, जीरो की टेबल नहीं होती है, तो इसमें जिस वहाँ होता है वहाँ हम क्या रखेंगे, नॉट डिफाइन रखेंगे। अब इसका करेंगे हम, एक बटा एक रूट तीन, तो इसमें कितना आ जाएगा, रूट तीन आ जाएगा, एक को एक से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, एक आएगा, इसमें कितना हो जाएगा, एक बटा रूट तीन हो जाएगा, एक बटा रूट तीन। अब इसमें क्या है, नॉट डिफाइन है, इसमें क्या है, नॉट डिफाइन है, तो जैसे वन को अगर जीरो से है, तो इसमें क्या है, नॉट डिफाइन दिया गया है, नॉट डिफाइन, तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम क्या रख देंगे, इसमें जीरो रख देंगे, इसमें हम क्या रख देंगे, इसमें जीरो रख देंगे। तो दोस्तों ये टेबल बनकर तैयार हो चुकी है, ये टेबल बनकर तैयार हो चुकी है, सिर्फ आप क्या करना है, इसमें आप दो बार प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आप दो बार प्रैक्टिस करना है, 100% गारंटी है, बिल्कुल 100% गारंटी है, आपको ये त्रिकोणमिति सारणी बनानी आ जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर आपको नहीं बनानी आती है, तो चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे बहुत ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।